सारे बीजेपी वाले को, उनको एक फेरेंट लोनी रखा। आप तैयार है क्या? हम खुद 50 बुलडेजर दिला दूंगा, खुद भी बोलेगा 40% सरकार है। कांग्रेस का जो बैनर है कानपुर पीड़ित को न्याय दो, योगी के बुलडोजर ने माँ बेटी की मौत के घाट उतार दिया। यूथ कांग्रेस दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पे कैंडल मार्च बोल सकते हैं आपसे, कैंडल मार्च चल रहा है और ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर जंतर मंतर से पहले इनको रोक दिया है। यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च जो कानपुर हाथ लेकर के किया जा रहा है, पूरा देश का कार्यकर्ता खड़े रहता है। वो छोटे मासूम परिवार, मासूम बच्चे, मासूम माँ, उनके साथ आप लोग ये इस तरीके का बुलडेजर चला रहे हैं, बाद में जला रहे हैं। जलाने का सरकार है ये। उत्तर प्रदेश में आज तक 25,000 लोगों को जलाने का काम किया है, कोई आंकड़ा बाहर नहीं आ रहा है। जो सरकार ने के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, उनके जो मेमोरेंडम दिया किस तरीके के आप लोग अन्याय कर रहा है, उसको जलाने का काम करेगा ये सरकार। योगी आदित्यनाथ को तुरंत उस कुर्सी पे बैठने का लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो मन की बात में इतनी बात करता है, थोड़ा भी आपको उस माँ के ऊपर आपको भी अंदर दर्द है, दुख है उस बच्ची के ऊपर, तुरंत डिसीजन ले लो, उस अधिकारी को जेल भेजो। आप भेजेगा नहीं है, क्यों? उनको बचाने में लगे रहते हैं, जो अडानी को कैसे बचाते हैं, ऐसे ही सारे बीजेपी वाले को, उनको एक फेरेंट लोनी रखा है। जो भी गलतियां करो, जो भी कर्म करो, सबको ये डाल देगा, उसमें सफेद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बार बार देखने को मिल रहा है इस तरीके का तस्वीर। मेरे को कहना इतना ही है, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहिए, उसके ऊपर जो भी अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो बुलडेजर चलाने का इतना आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ना, बुलडेजर चालक को आप इतना चलाने का शौक है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलाओ। अडानी का जो सबसे बड़ा कांड है, जो LIC का पैसा लूट लिया है, SBI का लूटा है, इस देश का पैसा लूटा है, उसके ऊपर चलाओ ना तुम्हारा बुलडोजर। क्रांति आ रही, इसको नाम बदलना है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नाम बदल के बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ नाम रखना चाहिए। न्याय का प्रतीक माना जाता था कल तक इसको। न्याय देखिए, ये लोग ने न्याय के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे किस तरीके का इस देश का नागरिक के साथ, आम लोगों के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, लापरवाही किया, कोई सोच नहीं सकते। देश का जनता वो और भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। आने वाले दिन में इनको सही सबक सिखाना चाहिए। रैली में कहते थे कि देखिए हमारे रैली में बुलडोजर खड़े होते, दो नहीं चार चार बुलडोजर खड़े। अरे आप तैयार है क्या? हम खुद 50 बुलडोजर दिला दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलाने को तैयार है क्या? हिम्मत है क्या नरेंद्र मोदी को? हिम्मत है क्या योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेने का? अधिकारी को अंदर भेजने ताकत है क्या? बोलने में अच्छा है, करने के लिए नहीं है। ये बोल बचन लोग है। कल कुछ लोग खुश हुआ करते थे जब दलितों समारोह पर बुलडोजर चलता, वो शर्म आना चाहिए इन लोगों को। इस तरीके का जो इसमें जो मानवीयता नहीं है, किस तरीके के इन लोग ने उस पर भी एक इवेंट बनाता है, शर्म आना चाहिए सरकार को। और इनका सारे मंत्रिमंडल है, सारे अपने आप खुद इस्तीफा देना चाहिए। आज तक किसी ने इस्तीफा दिया है ऐसी घटनाओं के बाद जो आप देखें? देखिए कितना नहीं हुआ है, कितना राज्य में आप सरकार आप देख सकते हैं। पहला चीज है, इस तरीके का हरकत घटिया काम कोई करता नहीं है। पहला चीज जो इन लोग ने जानबूझ के, वो लोग ने मुख्यमंत्री घर पे गए, उनको भी आवेदन दिया था, अधिकारी को मिला था, तो क्या इतना जरूरत थी? हाँ, कहीं ना कहीं ये सरकार हर चीज में एक ड्रामा बना रहा है, जो लोगों को घुमराने के लिए। अडानी का जो कांड है, अडानी को बचाने के चक्कर में ये कुछ ना कुछ ये बुलडेजर चलाने का काम किया, उनको इतना भारी पड़ रहा है अभी उसको लेके। 100% अडानी कांड को बचाने के लिए जो ये SBI का पैसे लोग मांगने स्टार्ट किया, ये LIC का पैसा मांगने किया लोग, पूरा देश का जनता कहीं ना कहीं डर में बैठा है। अडानी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता ने दायर की 17 तारीख उसकी सुनवाई। देखिए अडानी कांड में छुपी क्यों है, लगभग 20 दिन हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, क्यों नहीं बोल रहा है? सरकार ने तो बोला ना कमेटी बनाई, कमेटी बनाना तो JPC क्यों नहीं कर रहा है? पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं गठित नहीं हो रहा है? डर क्या है इनके अंदर? डर है, ये सारे डरपोक लोग है, इसीलिए इस तरीके के काम पे लगा है। मैंने कोई करप्शन ही नहीं बताया। अरे कर्नाटक से मैं आता हूँ, 40% सरकार है, आप जाके कुत्ता को भी पूछो, कुत्ता भी बोलेगा 40% सरकार है। मीन्स इतने लेवल पे इन लोग ने वहाँ करप्शन कर। जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस अधिकारी को जेल भेजना चाहिए,
योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए। बीवी श्रीमला जी जिन्होंने अपनी बात रखी, अभी आपने सुना है योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो बुलडोजर वाली घटना घटी है, उसी घटना को लेकर के यूथ कांग्रेस के प्रमुख बीवी श्रीनिवास जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। देश में गुंडा राज चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हो कल परसों से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस तरह से यूपी में योगी राज पिशाच राज बने हुए हैं और जिस तरह से माँ बेटी को जिंदा जलाने का काम इन्होंने किया, हम उसके खिलाफ आज कैंडल मार्च निकालने का काम कर रहे हैं। और साथ ही देश में हर जगह महिलाएं हों बेटियां हों सुरक्षित नहीं है, उन्हीं के खिलाफ आज हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा शर्मसार करने वाला है कि आप किसी को जिंदा जला देते हो कि इस एवज में कि वहाँ उनको अवैध कॉलोनियों को हटाना था। न्याय का प्रतीक मानते हैं, बाबा का बुलडोजर तो कह रहे थे बाबा का बुलडोजर लोगों के लिए क्रांति ला रहा। मुझे लगता है फिर इस देश की न्यायपालिका कार्यपालिका सबको हटा देना चाहिए और बाबा जी को ही सब कुछ दे देना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? फिर पत्रकार कोई नहीं सहमत, हम सहमत नहीं है, हम भी जनता में आते हैं, देश के नागरिक हैं। बाबा तो कुछ भी कह रहा है, जिंदा लोगों को जला रहे हैं, जनता सहमत है उससे? माँ बेटी को जला दिया, बयान पहले दे चुके हैं कि गरीबों को नहीं हटाना, वो अमीर थी, मतलब ये देश के किस देश के नहीं, ये देश के संविधान में लिखा है या कहाँ लिखा है कि आप जिंदा कोई नहीं हटेगा तो कानून व्यवस्था को छोड़ के बुलडोजर जाएगा और वहाँ पे हम आज लगा देंगे और जिंदा लोगों को जला देंगे, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? यही लोग तो थे कल तक ताली बजाया करते थे बुलडोजर के, क्रांति आ रही है और आज पूरी देश पूरा देश रो रहा है। आप देख रहे हो महिलाएं रो रही हैं, ठीक है, बेटियां रो रही हैं, छात्र रो रहे हैं, सड़कों पे उनके सर फोड़े जा रहे हैं, तो पूरा देश रो रहा है। और महिलाएं ब्राह्मण समाज ताली बजाता था कि जो क्रांति आ रही है, एक 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 प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है न्यूज और सबके माध्यम से, एक व्हाट्सएप नगरी भी चलती है कि भाई ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये आज देख रहा है बदहाली क्या शुरू हो रहा है। आपको पता है कितनी तो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, लोग बच्चों को अब उम्मीद ही नहीं है कि मैं बीटेक करूं एमटेक करूं क्या करूं, घर पे ही रहना है, ठीक है। महिलाएं चाहे कितना भी हो जाए भाई, मुझे महंगाई का हर महीने एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देना ही है, तो घर पे सब कुछ वो बैठी हुई। दूसरा अब आपको जीने का अधिकार भी नहीं है, पता नहीं अब यहाँ कौन आ जाए और हमें जिंदा जला जाए, तो न्यायपालिका कार्यपालिका ये सब इनसे भी विश्वास उठा हो जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, आप देखो ना उनका उनके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने सवाल पूछे ना कि आप कितनी बार उनके साथ विदेश गए, आप कितनी बार आप जवाब नहीं दे रहे, उनकी उनकी जो बाइट है उनको आप हटा रहे हो। उन्होंने कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, वो इस देश एकमात्र बब्बर से राहुल जी है जो अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के लिए, गरीब किसान के साथ खड़े रहने का काम राहुल जी कर रहे हैं और उन्हीं के हम सिपाही हैं। भारतीय युवा कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य उनका सिपाही है और उनकी लड़ाई लड़ने का बब्बर से रहने की, मोदी कहते हैं मोदी के मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी की बात, बिल्कुल वो एक अकेला सब पे भारी है, इसीलिए तो माँ बेटी को जिंदा जला दिया, आज कोई बोल नहीं रहा, केवल युवा कांग्रेस के साथ ही बोल रहे हैं। बाबा ने कार्रवाई की तो है, क्या कार्रवाई की? सीएम को वहां से आ जाएंगे बर्खास्ती में, उस जो वो बाप जो जिसकी तस्वीर इतनी मार्मिक तस्वीर है वो देखी नहीं जा रही, उसकी बेटी आ जाएगी, उसकी बीवी आ जाएगी, उसका घर हंसता खेलता परिवार जो उजड़ गया वो बस जाएगा। आप बता दो मुझे उस कार्रवाई से अगर आप सहमत हो तो हर दूसरे घर में ऐसे होंगे, फिर सस्पेंड कर दो, ये क्या तरीका है? आप खुद सोचो ये न्यायपालिका किस लिए होती है। और मैं पूछ रही हूँ कि मानवाधिकार, महिला अधिकार, प्लान अधिकार, ये कर देंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, सीधा सीधा बेटियों को जिंदा जलाने का पहले भी इन्होंने काम किया और आज फिर आज तो जिंदा ही जला दिया। पिछली बार इन्होंने घर पे कोई कांग्रेस का बराने का समर्थन, हम पीड़ित परिवार के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, ना केवल इनके साथ, हम तो हर किसी की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था राहुल जी और प्रियंका जी हाथ से जाने का काम, इन्होंने कितना उनको रोकने का कोशिश किया लेकिन उनके घर जाने का काम किया। हमेशा हमेशा कांग्रेस का एक एक सदस्य पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहा।